सभी का स्वागत है। मुझे मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं न्यूज। आप बढ़ते हैं उसकी पांच बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वह शाम लगभग 5 बजे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 226 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर करीब करीब सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ऑनलाइन वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जगुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा CRF के दो आतंकवादी मारे गए हैं। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान इखलाक हाजिब के रूप में हुई है। बता दें कि पिस्तौल सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। IGP कश्मीर ने इसकी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 10 फरवरी को 58 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान है। इससे पहले BJP 6 फरवरी यानी कि रविवार को प्रदेश की जनता के सामने अपना संकल्प पत्र पेश करेगी। पार्टी के इस संकल्प पत्र के केंद्र में करीब किसान महिलाएं होंगी। इसके अलावा नए रोजगार सृजन पर भी फोकस किया जाएगा। पार्टी खासतौर से कृषि क्षेत्र को मिलने वाली बिजली को लेकर भी कोई महत्वपूर्ण वादा कर सकती है। CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद साफ कर दिया है कि पार्टी का संकल्प पत्र 6 फरवरी को जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक कार्यक्रम में कहा, विशेषज्ञों का अनुमान है कि मार्च के दूसरे सप्ताह तक कोरोना की तीसरी लहर पूरी तरह खत्म हो जाएगी, फिर धीरे धीरे बंदिशें हटेंगी। उन्होंने कहा, राज्य में कुछ दिन पहले 48,000 कोरोना केस के मरीज एक दिन में मारे जा रहे थे, अब यह संख्या 15,000 के आसपास आ गई है। वहीं बात करें मुंबई की, तो मुंबई में रोज नए कोरोना केस मरीज संख्या 20,000 से घटकर करीब 600 तक पहुंच गई है। तो ये थी आज की पांच बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।